तीसरा 72 दूध की, इसका ऑर्डर देख सकते हो आप, 7-8 महीना व्याय को। दोस्तों गुजरात के कच्छ में जबरदस्त भैंसे हैं, ऐसी भैंसे शायद ही आपने कहीं देखी होंगी। एक छोटा सा गांव है, 500 की जनसंख्या है, यहाँ पे व्यापारी भी बहुत कम आते हैं, व्यापारी लोगों को तो पता ही नहीं होगा शायद इस जगह के बारे में। और भैंसे इतनी जबरदस्त क्वालिटी की, आप मेरे पीछे देखो, अभी आधी भैंसे आई हैं और आने वाली हैं, और जो इनके मालिक हैं उनसे मैं बात कराऊंगा, और कुछ ऐसी रोचक चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी यहाँ के बारे में। तो मेरा नाम है जाडेजा बचल जी टपुआ जी सर, मैं नानी खोमड़ी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, तो आप जो पशुपालन है साहब कितने साल से कर रहे हो? लास्ट 10-11 साल से कर रहा हूँ पशुपालन। 10-11 साल से कर रहे हो, आपकी उम्र कितनी होगी साहब? 40 साल, यानी लगभग आप 30 साल की उम्र में चालू कर दिया था आपने पशुपालन। अच्छा जी, तो पशुपालन पहले क्यों नहीं करते थे जी? पहले कुछ मतलब कमी थी या सोर्स नहीं थे कि क्या चक्कर था? पहले यही था कि दूध कोई लेता नहीं था। अच्छा जी, यहाँ से शरद डेयरी के स्टार्ट हुआ, नरेंद्र मोदी साहब जो स्कीम बार देते हैं सब पशुपालन को जो लाभ होता है जी जी, इसलिए धीरे धीरे सब पशुपालन बढ़ाने लगते हैं जी जी, इसमें फायदाकारक होता है, इसलिए हम सब ये धीरे धीरे पसंद यही धंधा किया है। मतलब आपका कहने का मतलब है सरकार ने देखा लोगों की क्या जरूरत है और उस जरूरत के हिसाब से यहाँ पे डेयरियाँ खोल दी, तो फिर लोगों ने पशु पालना शुरू कर दिया, ऐसा ही कहना चाहते हो ना? ठीक है जी, तो भाई बचल जी के बारे में मैं एक बात बताता हूँ, ये अपाहिज हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इनकी इसको क्या बोलते हैं जी, गोड़ी, गोड़ी गोड़ी बोलते हैं भाई इसको, ये गोड़ी, और एक साइड में होकी दिख रही होगी, ये दिव्यांग है, मतलब अपाहिज है पैर से, और फिर भी ये इनने जो काम जमा रखा ना, आप देखोगे इनका पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा एक एक बातें, तो आपको अचंभा आएगा। और यहाँ पे जिसके हाथ पैर ठीक होते हैं ना, वो निराश होकर बैठ जाता है, वो सोचता है जिंदगी में मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ, इसको कोई नेगेटिव ना ले भाई प्लीज। तो ये जो पीछे आप देख रहे हो ना गाय भैंसों का सिस्टम, ये सारा इन्हीं का है, और गांव में इन्होंने एक दुकान भी है इनकी जो गांव में ये चला रहे हैं, और शरद डेयरी जिससे गांव के सभी पशुपालकों को फायदा होता है, वहां पे अपना दूध लाते बेचते हैं, जिसकी वजह से पशुपालन बढ़ा, दो शरद डेयरी चला रहे हैं ये। तो भाई अगर ये आदमी कर सकता है काम, तो भाई तुम्हारे क्या हो रहा है, सब कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं। तो जी आपके पास कितनी भैंसे हैं और किस किस नस्ल की भैंसे हैं जी? अब तो मेरे पास 50 कम भैंसों हैं, 6-7 गाय है, 6-7 गाय हैं जी जी। गाय कौन सी नस्ल की हैं जी? गाय गिर नस्ल की है और देसी गाय, देसी और गिर नस्ल की हैं। और भैंसों में जी कौन कौन सी हैं? भैंसों ज्यादा तो बन्नी नस्ल की है। अच्छा, 3-4 बन्नी की नहीं देसी है। अच्छा जी, बन्नी और देसी है। अच्छा जी, मैं एवरेज दूध की अगर बात करूँ तो आपकी भैंसे एवरेज दूध कितना देती है यहाँ पे, ये वाली भैंसे जितनी भी है? आखा दिवस नो पूरे दिन का, पूरे दिन का, हाँ पूरे दिन का 15-16 लीटर, 15-16 लीटर दे देती है। तो भाई टॉप क्वालिटी की भैंसे हैं, हम भैंसे भी दिखाएंगे आपको सारी डिटेल से। तो यहाँ इस गांव के बारे में बताइए, ये मतलब किसी भी बड़े शहर से कितनी दूर पड़ता है और कौन सा शहर आपके पास लगता है? हमको सिटी तो नखत्राणा लगती है, नखत्राणा से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। नखत्राणा से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो यहाँ पे व्यापारी कम आते होंगे क्योंकि व्यापारी तो कोई आता ही, चारों तरफ से पहाड़ी एरिया है, घुमा हुआ है, तो अगर व्यापारी आए तो आप क्या खरीद बेच भी करते हैं? अभी तो खरीद बेच नहीं किया है, पर कोई आएगा तो ठीक ठाक विचार, मतलब सही भाव वगैरह लगेगा तो दे भी देंगे। तो भाई मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई पैसे वैसे में नहीं कर रहा हूँ, ये बस यहाँ पे आ गए और वीडियो का पता चला मुझे इनके बारे में, तो यहाँ पे बना दिया है। भैंस तो तीसरे वेतन में व्यय है। अच्छा जी, यहाँ तो 1,50,000 कीमत है, यहाँ पे इसकी 1.5 लाख कीमत है। ठीक है, तीसरा 72 दूध कितना होगा जी इसके? 15-16 लीटर होगा सारे दिन का। ठीक है, नस्ल में कौन सी है, बननी है क्या? हाँ बननी, बननी है भाई, इसका ऑर्डर देख लो। ठीक है, थोड़ी ड्री हुई है, कीमत का भाई आप पूछ रहे हैं बचल जी से, अपना कोई वो नहीं है, रेट इनका नंबर मैं दिलवा दूँ आपको, आपका नंबर बता दो एक बार फोन। मेरा नंबर 94-288-88-752, ये इनका 98-752, 98-752 मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, आप इनसे बात कर सकते हैं, और रेट के बारे में जो भी हो, कम ज़्यादा जो भी आपको लग रहा हो वो इनसे बात करें, रेट के लिए कोई कमेंट ना करे। हाँ भैंसों की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं बताता रहूँगा भाई कैसी है। ये देखो भाई बूरी भैंस है, ये उससे पहले वाली से थोड़ी सी कमज़ोर है,
ये पहले बेहतर की है, ये पहले। अच्छा ये पहले की है इसलिए कमजोर लग रही है भाई। ये देखो भाई इसकी, इसका आर्डर देख सकते हो आप, मिल्की विंड पाइप देख लो। और ये पीछे से भी दिखा देता हूँ भाई आपको, क्वालिटी है ठीक है, हड्डी वड्डी और कच्छ की बाकी वैसे देखोगे तो उनसे ठीक ठाक भी है भाई। मैं एक बात तो जरूर कहूँगा, कच्छ में और जो भैंसे मैंने देखी हैं उनसे मेरे को यहाँ की भैंसे ठीक लगी है। ये सब खड़ी हमारे घर की है, हमने कोई बेचा भी नहीं दी है। ये देखो अच्छा इसके बारे में बताओ, कितने व्यत्र की ब्याई हुई है? ये पहले व्यत्र की है, पहले व्यत्र की है ठीक है। इसको 7-8 महीना ब्याई हो गया, 7-8 महीना हो गया ब्याई को। अच्छा इसके दूध कितना होगा जी? दूध इसका 14 लीटर दूध होगा ठीक है। देख सकते हो भाई आप क्वालिटी भैंस की, सींग देख लो। और इसकी कीमत लगभग अंदाज सा बता दो जी। एक तीस के आसपास है। ये देखो भाई फिर ये अपनी अच्छा जी, इनके नाम वाम भी रख रखे हैं क्या आपने कुछ? तो अभी हमने नहीं रखा है, कोई नहीं रखा है, बाकी कच्छ में रखते हैं लोग नाम। अच्छा ये कौन से व्यत्र की है जी? ये पहले व्यत्र की है, पहले व्यत्र की है ठीक ठीक। 8 महीना हो गया। बढ़िया शांत वैसे है भाई, ना बिल्कुल डरी हुई है। इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर वॉक्टर यहाँ कम आता है? हाँ, डॉक्टर तो पास नहीं, तो ये वैसे देख के, अगर डॉक्टर ज़्यादा आता है ना तो वैसे देख के डरती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं डरी, बिल्कुल शांत स्वभाव से आराम से। और सबसे अच्छी पहचान होती है अगर पशु डर नहीं रहा है तो पशु अच्छा है समझ लो। देखो भाई ये भी पहले बेहतर की है ठीक है। देखो भाई बाल वाल काट के, मैंने तो कच्छ में देखा नहीं भाई, पहली बार देखा इतनी साफ सफाई से रखने वाला फार्म। देखो भाई ऑर्डर में थोड़ी सी काण पड़ी हुई है, ऑर्डर एक साइड में हो गया। हाँ इसका ऑर्डर थोड़ा सा एक साइड में हो गया, साइड में हो गया, पर खीर सब में एक ही आता है। अच्छा खीर अभी भी ज्यादा है ठीक है। देख लो भाई कितनी भैंस दिखा दी, 1, 2, 3, 4 पांचवें नंबर की भैंस है ये, छठी भैंस देखो भाई बूरी ठीक है जी। देखो ये कितने बार की ब्याई हुई है जी? ये दूसरे बार की, दूसरे बार की, ये दूसरे बार की ब्याई हुई है भाई। ये भैंस है सिंध की भैंस है, सिंध। अच्छा अच्छा हो गया, हमारे जो पाकिस्तान वाले सिंध की, पाकिस्तान वाले थे वहाँ के पक की है। अच्छा अच्छा वहाँ से रखी हुई है उसे। यहाँ से पाकिस्तान कितनी दूर पड़ता है जी? यहाँ से पाकिस्तान 87 किलोमीटर। ये देखो पाकिस्तान बॉर्डर से 87 किलोमीटर दूर पड़ता है, 30-40 किलोमीटर दूर तो आर्मी आ जाती है यहाँ से, नहीं आर्मी शुरू हो जाती होगी, उसके बाद फिर सारा समझ लो बॉर्डर ही रहता है। और सिंधी भैंस जिसने नहीं देखी भाई वो देख लो, ये है प्योर सिंधी बता रहे हैं इसकी, सींगों की पहचान देख लो आराम से। ये पांचवें व्यत्र की भैंस है, पांचवें व्यत्र की भैंस है भाई, 16-17 लीटर दूध है, 16-17 लीटर दूध है ठीक है। और पहले व्यत्र में कितना देती थी जी? पहला व्यत्र में 16 लीटर दिया था, एक तक के 8 लीटर। अब तो पांचवें व्यत्र में दूध अभी कम नहीं हुआ, इतना ही देती है। अच्छा अभी भी इतना ही देता है ठीक जी। फिर वो वाली, वो पहले व्यत्र की, ये पहले व्यत्र की है ठीक जी।